ओम नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार दशमी तिथि शाम 5:56 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, संगीत प्रिय, हंसमुख, आशावादी और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, मगर गुस्सैल प्रवृत्ति वाले, प्रतिशोध की भावना वाले, व्यावहारिक मामलों में उदार, वचनबद्ध रहने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा दोपहर 2 बजे तक मकर राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज भी चंद्रमा की युति दोपहर 2 बजे तक केतु और मंगल के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र मंगल का पूरे दिन कायम रहेगा, जिससे वाणी में उष्णता, उतावलापन, हर काम करने के प्रति अत्यधिक जोशीला अंदाज कायम रहेगा। व्यावसायिक स्थिरता कायम रहेगी और विभागीय अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ के सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी आवश्यक होगी। मगर दोपहर बाद चंद्रमा के कुंभ राशि में जाने से मानसिक दबाव महसूस होगा, मन में नकारात्मक विचारों का अंतर्द्वंद और उदासीपन की भावना का संकेत मिलता है। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी, आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और संबंधित मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी चिंता महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और निजी निवेश की प्रेरणा बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों को विरोधियों से भी आर्थिक लाभ संभव है। आय संबंधी मामलों में नए विकल्प दिखाई देंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी। मगर कार्य योजनाओं के लिए तात्कालिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में मधुरता कायम रहेगी और धार्मिक यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के उद्देश्यों की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मगर भ्रमात्मक स्थिति का दौर जारी रहेगा और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। मगर साझेदारी के कामों में लाभ और कार्य योजनाओं के विकास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। साथ ही रचनात्मक कार्यों में निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, भावनात्मक लगाव कायम रहेगा। धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। अनचाही यात्राओं का योग भी बनता है। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी में भी लाभ संभव है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। आपसी संबंधों के सकारात्मक तालमेल में कमी आएगी और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को प्रयासों में बल मिलेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और व्यावसायिक विकास का संकेत मिलता है। मगर साझेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। शाम के बाद ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध, शुक्र और सूर्य के साथ धन भाव में चल रहे हैं।
स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बेहतर महसूस करेंगे। बौद्धिक क्षमता के साथ आर्थिक लाभ और निजी सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। व्यावसायिक उत्थान का संकेत मिलता है, मगर माँ के स्वास्थ्य संबंधी चिंता लगी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। हालांकि नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के उद्देश्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है। तुला राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, विकास और आवश्यक संसाधनों में सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों से लाभ संभव है। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति संतुष्टि दिलाने वाली होगी, मगर विचारों में उद्वेग और जल्दबाजी की भावना संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में मदद करेंगे, मगर अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के प्रति संजीदगी बनी रहेगी। विभागीय कार्यों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेगा और मन मुताबिक लाभ की दर बढ़ी रहेगी। निजी निवेश की योजनाओं का सृजन होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए शाम के बाद का समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों की प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति देंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। मंगल केतु की युति और चंद्रमा का पराक्रम भाव में होना कुछ मामलों में लाभदायक स्थिति पैदा कर सकता है। कुछ कामों में पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। सरकारी कामकाज अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा दूसरे घर में चल रहे हैं। घर गृहस्थी में तनाव, विचारों में भिन्नता और अपव्यय का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्ययोजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक लाभ के कई अवसर विकसित होंगे, साथ ही साथ कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग भी आपकी कार्य क्षमता को सुधारने वाला होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनावश्यक यात्रा के साथ रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों को अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, मगर निजी निवेश और कार्य क्षेत्र से संबंधित संसाधनों में लाभ की स्थिति संभावित है। कार्य योजनाओं की धीमी गति में सुधार की जरूरत होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन के नकारात्मक विचारों और भ्रमात्मक स्थिति से दूर रहना चाहिए। चंद्रमा 12वें हैं। आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी मामलों में चिंता और अनावश्यक यात्रा का संकेत भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।